आराम कूल बेबी कूल, भजिए को थोड़ा कूल तो होने दो। अरे कूल निकी कूल, भजिए तो गर्मा गर्म खाने का ही मजा है। यू विल हैपन नो 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 नेवर एवर, यू नो आई हेट दिस भजिया एंड ऑल ऑयल फैक्ट्री। मेरे लिए तो मेरा ये लो कोलेस्ट्रॉल बिस्किट ही अच्छा है। अरे मामी जी खाइए ना, कभी कभार चलता है। आर यू गॉन मैड सागर? अगर दीदी भजिया खाएगी तो उनका कंट्रोल डाइट प्लान का क्या होगा? शी इज राइट। अरे हाँ रिया, तुम तो फिल्म लाइन में अपना करियर बनाना चाहती हो ना, तो किस टाइप की फिल्म बनाना चाहती हो? सस्पेंस थ्रिलर, रोमांटिक कॉमेडी, एक्शन या फिर सोशल ड्रामा? मैं गुजराती थाली टाइप फिल्म बनाना चाहती हूँ, और रोमांस तो जिसकी हर सीन की जान होगी। हाँ आई नो रिया, तुम्हारी फिल्म में रोमांस तो हो गई, चाहे कुछ और हो या ना हो। मही मैडम आप भी वहां पे जाके बैठिए ना। और हाँ, अगली फिल्म के लिए तो मैंने विलेन का नाम भी सोच रखा है। अच्छा कौन? मैंने बताया भी था ना तुम्हें। नो नो मही नहीं, तुम सागर। बस यही। क्या यही मामा जी? रोहित यही तो मैं लंदन में मिस कर रहा था, सबके साथ बैठना, हंसी मजाक करना, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना। अरे बिग सिस्टर याद है आपको, रात को डिनर के बाद कैसे हम लोग आंगन में बैठ के ऐसे ही हंसी मजाक किया करते थे। बहुत मजा आता था। मामा जी एक बात बताइए, आप बच्चों में बहुत बदमाशी करते होंगे ना? बचपन में? हाँ भाई हाँ, अभी भी बहुत बदमाशी करता हूँ। बस बचपन में मैं लोगों के नाक में दम कर देता था। I was a terror as a child। अरे आजकल के बच्चे क्या खाक बदमाशी करते हैं। अच्छा तो डैड ग्रैंडपा तो आपकी रोज पिटाई करते होंगे ना? जी जी बताइए ना, आप रोज मार खाते थे ना बचपन में? बोलिए। हाँ ऑलमोस्ट। अरे और एक बार तो सुनिए, मेरी जमकर पिटाई हुई। बिग सिस्टर याद है आपको वो कनुकाका वाला किस्सा? आपको अभी याद आ जाएगा। एक बार क्या हुआ, हम लोग वो पतंग उड़ाने छत पर चढ़ गए और मैं छत की बॉर्डर पे खड़ा रह गया किन्नी देने। उत्साह में आकर मैंने पतंग की किन्नी तो दे दी, मगर किन्नी देने के बाद मैं सीधा गिरा नीचे। और नीचे गिरा तो अभी किस पर गिरा? बगल वाले कनुकाका खटिया डालकर सो रहे थे उनके ऊपर। याद आया मोटिवेशन। याद आया, याद आया। ठंडी की सीजन थी और कनु काका हमारे बाजू वाले घर के वो रजाई ओढ़ के सो रहे थे, और ये नानका जाके गिरा सीधा कनु काका के ऊपर। इससे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो काका 15 दिन तक ऐसे चल रहे थे। वो कनु काका और वो कैसे चिल्लाए थे याद है आपको? ए मरी गए अरे, आपको मकान पड़ी हूँ कैसे? अच्छा मामा, आप किन्नी दे रहे थे तो पतंग कौन उड़ा रहा था? तुम्हारी मम्मी। मॉम? मॉम? ऑफ कोर्स। अरे बिग सिस्टर तो पतंग उड़ाने के मामले में एक्सपर्ट थी, हमारे मोहल्ले की चैंपियन। जब भी बिग सिस्टर की पतंग आकाश में होती थी, सबकी पतंग काट देती थी। अरे बिग सिस्टर वो पिंडिया याद है कि नहीं, जिसने आपको चैलेंज दिया था? उसने चैलेंज दिया था इसलिए उसने डबल धागा यूज किया था ना। राइट, पिंडिया चिटरपॉक्स। मम्मी जी, मम्मी जी, फिर आगे क्या हुआ बताइए ना। अरे फिर क्या होना था, बिग सिस्टर तो पतंग उड़ाने के मामले में एक्सपर्ट थी, और पिंटिया की पतंग का मांझा दूसरों की पतंग के मुकाबले थोड़ा ज्यादा झुका हुआ था,
तुरंत बिग सिस्टर को पता चल गया। उन्होंने मुझे बताया कि पिंटिया डबल मांजा यूज कर रहा है। फिर तो जो बिग सिस्टर ने पैतरा रचा था, पिंटिया चारों खाने चित। क्यों बिग सिस्टर? मम्मी जी आपने क्या पैतरा रचा था बताइए ना। उसमें ऐसा हुआ था कि मैं अपनी पतंग पिंटिया की पतंग के पास ले गई, फिर मैंने वापस मेरी पतंग अपनी ओर खींची, तो पिंटिया को ऐसा लगा कि मैं डर गई हूँ उससे और उससे पेच लड़ाना नहीं चाहती, तो उसने अपनी पतंग मेरी पतंग के पीछे छोड़ दी। और बिग सिस्टर ने अपनी पतंग एक पेड़ के पास मोड़ ली। पिंटिया को लगा कि उसे पेच लड़ाने का मौका मिल गया। जैसे ही पिंटिया ने अपनी पतंग को बिग सिस्टर की पतंग के पास लिया कि बिग सिस्टर ने अपनी पतंग खींच ली और ये पिंटिया की पतंग पेड़ में लिपट के फंस गई। वाह वाह मम्मी जी वाह। और हम सब जोर से चिल्लाए Oh, it's 2 o'clock. It's so late. मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं जा रही हूँ सोने, हाँ? And please तुम भी मेरे साथ चलो। And Jackie, come. It's too late. भाई जिसको जाके सोना है जाके सो जाए। मैं और बिग सिस्टर तो इतने सालों के बाद मिले हैं, तो अपने बचपन की सारी यादें ताजा करेंगे। और वैसे भी उल्टी गिनती करने का मजा कुछ और ही होता है। Anyways, good night. Good night. Good night. Come, 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 check it. Jam. Come, bye. Good night.